देखो दोस्तों, हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 के लिए विषय है भौतिक विज्ञान। और हमें इसको 2 घंटा में करना है, लेकिन ये उससे पहले भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। हम इसको बहुत विकल्पीय प्रश्न आपको बता रहे हैं, खंडा देखिए। पहला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है MLT-2 होता है। फिर श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है ML-1 T-1 श्यानता गुणांक का होता है दोस्तों। फिर तीसरा है प्राकृत में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल अम्ल दुर्बल बल कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे दुर्बल बल इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये अनंत तक जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा विमाहीन भौतिक राशि है। तो चाल विमाहीन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत। दोस्तों आप देख लीजिएगा, राइट आंसर है वेग प्रवणता का विमीय सूत्र। दोस्तों, वेग प्रवणता का विमीय सूत्र होता है LT-1 M0 LT-1 होता है, ये होगा सी वाला ऑप्शन। छठवां है किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ की ढाल से पता चलता है। तो दोस्तों, ये हो गया समय, ये हो गया बैग। तो ये ऐसे बनाएगा तो इसके दिशा का पता चलता है कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये डी हो जाएगा, दिशा का पता चलता है। फिर एक कण आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है, कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात। तो दोस्तों, यहाँ विस्थापन का अनुपात होगा π/2 होगा, वैसे तो 5 होगा लेकिन अनुपात पूछा है। दो सदिशों का 2i+5k तथा 3j+4k का अदिश गुणन, तो इसका गुणा करना है। दोस्तों, हम इसको 0 मान लेंगे, जैसे 2i+0j+5k, और यहाँ हो जाएगा 0i+3j+4k हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, 5×20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0+0+20, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। फिर नवा है दोस्तों, यद वेक्टर यद मॉड a+b = |a-b हो तो सदिश ए बी के बीच का कोण होगा। तो दोस्तों, ये सूत्र में बता रहा हूँ, आप देख लेना। इसका सूत्र होगा a² + b² √ 2ab cos θ। इस सूत्र पर लगाएगा दोस्तों, इसको लगाकर देख लीजिएगा, इसका 90° आएगा, cos इनवर्स आएगा। दशा स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों ये होगा ML T-2 L2 T-2। फिर एक kg m/s² बराबर ग्राम में बताना, मतलब ये SI पद्धति में था, इसको CGS पद्धति में बताना है, तो ये 1000 हो जाएगा। फिर प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है दोस्तों दूरी का मात्रक है। एक वर्ग फुट बराबर m² कितना होगा, तो यह होगा 0.0929 होगा। इसका प्रत्यास्था का गुण होता है, तो प्रत्यास्था का गुण दोस्तों ठोस में भी हो सकता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, द्रव में भी हो सकता है। तो ठोस का गुण होगा, अधिकतर द्रव में पाया जाता है ठोस का गुण, तो होगा ठोस प्रत्यास्था का गुण, तीनों में एक होगा दोस्तों। फिर आएगा श्यानता का गुण पाया जाता है, तो श्यानता का गुण दोस्तों दोनों में पाया, ठोस में भी और द्रव में भी पाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो ऐसे तो न्यूटन होता है या डाइन होता है, लेकिन इसको दूसरे विधि से अलग अलग करके बताना, तो हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। लंबवत विधि से मापन किया जाता है, तो बहुत बड़ी दूरी का मापन किया जाए, जैसे चंद्रमा का दूरी नापना हो तो लंबवत विधि से नाप सकते हैं हम,
वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑडोमीटर, जो आप बाइक चलाते हैं दूरी नपती है तो ऑडोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। फिर त्रुटि कितने प्रकार की होती है? त्रुटि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। फिर कोई वस्तु गतिमान है तो इसका दोस्तों 200 मीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगा सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो इसमें सब करने वाले हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। टाइम बहुत नहीं है, MB बहुत लग जाती है वीडियो डालने में, इसलिए आपको ये नहीं बता सकता, ये आप घर पर देख लीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, घर पर देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। आपको नए वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं हर एक के ऊपर बना सकता हूँ।